वेलकम टू द माई न्यू वीडियो दोस्तों। तो ये वीडियो का पार्ट टू है ओरिजिनल कंपनी का, जिसमें मैंने प्रेशर होल्ड करके दो दिन के लिए छोड़ा था कंडेंसर में और कूलिंग कॉइल में। तो दोस्तों इसमें मैंने चेक किया ना, तो दोस्तों कूलिंग कॉइल है ना वो लीकेज हो चुका है और कंडेंसर में पूरा प्रेशर था। तो देखिए यहाँ पे ये लीकेज दिखा देता हूँ एक बार मैं। देखिए ये किस तरह से लीकेज है, बहुत बड़ा लीकेज है ये। और दोस्तों ये ना मिल नहीं रहा था भाई, बहुत माइनर था। जब मैं दो दिन के लिए होल्ड करके प्रेशर छोड़ा होना, तो ये लीकेज मुझे कूलिंग कॉइल में मिल गया और कंडेंसर पूरी तरीके से सही था, कहीं भी लीकेज नहीं था। एक ही यही वाला लीकेज जैसा कि आप मेरे उंगली के पास देख रहे हो। तो मैं इसको ना लैंप से या LPG कैन से रिपेयरिंग कर रहा हूँ, तो चलो रिपेयरिंग करते हैं। और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और वीडियो अच्छा वीडियो लाइक कर लीजिएगा। और कुछ सवाल वगैरह तो कमेंट मारिए, मैं रिप्लाई दूंगा। तो देखिए दोस्तों मैं ये तीनों यू बैंड को रिपेयर कर देता हूँ, क्योंकि जब एक कर रहे हो ना उसका पड़ोसी वाला भी लीकेज हो जाता है, ठीक है, LPG कैन से। तो आप उसको भी रिपेयर कर दिया करें और अच्छी तरीके से रिपेयर करें, बहुत अच्छी तरीके से रिपेयर हो भी जाता है। तो मैं दोनों साइड से रिपेयर कर लेता हूँ घुमा करके। और दोस्तों जब लीकेज ना मिले ना, तो यही सेम रूल होता है, आप इसका पार्ट वन जाके देखें अगर नहीं देखें हैं तो, ठीक है, जिसमें मैं ओरिजिनल कंपनी के विंडो AC में मैंने प्रेशर डाल के दो दिन होल्ड करके छोड़ा था। आपको इस वीडियो के नीचे में मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि इस वीडियो से पहले मैंने होल्ड किया था, इस वीडियो के बाद मैं दोबारा प्रोसेस में ला दिया हूँ, ठीक है। तो दोस्तों कूलिंग कॉइल रिपेयर हो चुका है, ये कंडेंसर में लीकेज कहीं से भी नहीं था, ठीक है। तो दोस्तों जितना चीज मैंने होल्ड करने के लगाया था सब मैं निकाल लेता हूँ, इसको और इसको भी। तो चलो इसको हम निकाल लेते हैं, फिर मैं इस कूलिंग कॉइल को लगाऊंगा। तो देखिए दोस्तों निकल चुका है ये, अब मैं इसमें फिट करूंगा दोस्तों। इसका जो कंडेंसर मैंने ब्लॉकेज किया था उसको भी मैं यहाँ से खोल लेता हूँ। याद रखना दोस्तों, प्रेशर निकाल लेना याद से, कभी प्रेशर छोड़ दे, ठीक है। कंडेंसर में प्रेशर था तो उसको मैंने पूरे को निकाल दिया था। तो देखिए यहाँ पे जॉइंट्स भी हो गया, अब इसका सेक्शन वाला भी पाइप भी ज्वाइंट कर लेते हैं। तो देखिए ये सेक्शन वाला पाइप कुछ इस प्रकार से लगा लिया हमने फिटिंग करके, अब हम इसको रिपेयर कर देते हैं। दोस्तों बराबर से करेंगे ना बड़ा आसानी से लग जाता है, ठीक है। होल्ड करते थे हम तो बहुत सरदर्दी होता है, लगाने वक्त उतना टाइम नहीं लगता, जल्दी लग जाता है। तो इसको मैं अच्छी तरीके से रिपेयर करके ना लगा दूंगा वापस। तो देखिए दोस्तों इस प्रकार से दोस्तों 32 शेड में जो वेल्डिंग कर रहे होते हैं ना, जब आप लैम्प से या 32 शेड से वेल्डिंग कर रहे हैं ना, तो कॉपर जब गर्म हो जाएगा ना अच्छी तरीके से, तब जाके आप उस पर वेल्डिंग रॉड सटाइएगा ना, तो वो अच्छी तरीके से रिपेयर हो जाएगा, जैसे कि आप देख भी रहे हो। और मैंने रिपेयरिंग कर दिया इसको भी, देख सकते हो कंप्लीट रिपेयर हो गया, और कितनी अच्छी तरीके से हुआ ये रिपेयरिंग। और दोस्तों मैं दोबारा बोल रहा हूँ आप लोगों से कि कोई सवाल है तो कमेंट मारिए, बाकी वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। दोस्तों रिपेयरिंग भी हो गया, कूलिंग कॉइल भी वापस मैंने फिट कर दिया जैसे कि आप देख भी रहे हो यहाँ पे। तो कंप्लीट मैं कूलिंग कॉइल लगा दिया, और ये मेरा टूल बैग दोस्तों देख सकते हो, AC यहाँ से लगा रखते हैं वहाँ पे, और AC में गैस डाल दिया हमने, AC ऑन हो चुका है देखिए दोस्तों। और यहाँ से दोस्तों AC ऑन हो चुका है, अब गैस एक गैस कैसे डालना चाहिए दोस्तों, बहुत सारी वीडियो आप जाकर देख भी लीजिए मेरे चैनल पे। तो दोस्तों मैं ठंडा ठंडा हवा ले रहा था, क्योंकि यार बहुत ज्यादा गर्मी लग रहा था। मिलते हैं एक और वीडियो में, थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।